इजरायली पीएम नेतन्याहू को राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री का पत्र, वॉर कैबिनेट में गठबंधन के सदस्य को शामिल किया जाए। तो ये एक बड़ी अपडेट मिल रही है। नेतन्याहू को राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने एक लेटर लिखा है। लेटर में वॉर कैबिनेट के विस्तार के लिए जिक्र किया गया है। इस पत्र में लिखा गया है कि गठबंधन के जो सदस्य देश हैं उन्हें शामिल किया जाए। और देखिए एक और बड़ी खबर, इसराइल के राष्ट्रपति हर्ज़ोग का बड़ा खुलासा, हमास बना रहा था रासायनिक हथियार, ये इसराइल की तरफ से कहा गया और वो रिपोर्ट अब आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए बकायदा डॉक्यूमेंट शेयर किए गए, इससे पहले भी हमने आपको बताई थी खबर केमिकल वेपन बनाने वाली बात। आप ये देखिए इसका वीडियो इस वक्त आपके सामने, यही रिपोर्ट है, यही वो डॉक्यूमेंट है जिसको शेयर किया गया है। रासायनिक हथियार बनाने की जो फाइल है वो मिली है और ये देखिए बकायदा प्रूफ के साथ ये इसराइली राष्ट्रपति की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया। और वॉर ब्रेकिंग में अगली बड़ी खबर, इसराइल ने 800 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। 500 से ज्यादा हमास के लड़ाके पकड़े गए हैं। 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद से इजरायली सेना का एक्शन जारी है। वेस्ट बैंक से की गई है यह गिरफ्तारी। और आप देखिए एक और बड़ी खबर उत्तरी इसराइल से, जहां पर ड्रोन से हमला हुआ, आईडीएफ ने ड्रोन को मार गिराया। एक और बड़ी जानकारी, लेबनान सीमा पर आईडीएफ की कार्रवाई, इजरायल एयर स्पेस में हुई थी घुसपैठ, संदिग्ध टारगेट को आईडीएफ ने मार गिराया, पूरे इलाके में बज रहे हैं सायरन। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा बॉर्डर पर रॉकेट से हमला हुआ, हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, अटैक के बाद सायरन बजे हैं। अगली बड़ी खबर, गाजा में इजरायली भीषण बमबारी, कुछ देर पहले इजरायल ने बमबारी की है, ठिकाने को निशाना बनाया। हमले के बाद गाजा के आसमान में धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है। और आठवीं बड़ी फॉर ब्रेकिंग, गाजा बॉर्डर पर 1,20,000 इजरायली सैनिक शिफ्ट किए गए, उत्तरी सीमा से गाजा बॉर्डर पर इनको शिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर है, इजरायली सेना का दावा, हमास के कब्जे में 222 बंधक, विदेशी नागरिकों समेत 222 बंधक, आईडीएफ के 308 सैनिक मारे गए, आईडीएफ के पास 1,000 हमास लड़ाकों के शव, गाजा में राहत लेकर 14 ट्रक गए, आईडीएफ ने कहा, इजरायली सेना के प्रवक्ता का बयान है। और देखिए दसवीं बड़ी खबर, हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमला किया, लेबनान से लगे इसराइल के अल अबद बेस पर रॉकेट से हमला, हमले में इसराइल का कम्युनिकेशन टावर उड़ा दिया, इसराइल को $20 बिलियन के नुकसान का दावा। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, खान यूनिस में आईडीएफ ने की है बमबारी, एयरक्राफ्ट से की गई भारी बमबारी, आईडीएफ के हमले में कई बिल्डिंग जो है वो तबाह हो चुकी है। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कई बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं इस हमले में, एयरक्राफ्ट से भारी बमबारी की गई है, आईडीएफ के हमले में बिल्डिंग्स की बिल्डिंग तबाह नजर आ रही है। तो आप देखिए इसराइल क्या बोल रहा है, इसराइल बोल रहा है कि लोग नॉर्थ गाजा को जल्दी छोड़ दें, लोग नॉर्थ गाजा से जाना भी चाहते लेकिन गाजा में जान ऐसा लगता है सस्ती है और वहां से बाहर जाना महंगा हो गया। कैसे, आइए अब आपको हम बताते हैं कैसे अब गाजा में जान सस्ती है और जाना वहां पर ज्यादा महंगा हो गया है। नॉर्थ गाजा से लोग जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे, गाजा में जबरदस्त महंगाई है, लोगों को रोक रखा है इसने। साथ ही लोगों के पास दक्षिण गाजा जाने के पैसे तक नहीं है, नॉर्थ से दक्षिणी गाजा जाना हर किसी के बस में नहीं है। एक परिवार का किराया है $200 से $300 तक, यानी आप समझिए वो गाजा जो कि 40 किलोमीटर लंबाई में है लेकिन उसको भी ट्रैवल नहीं कर सकते, $200 से $300 किराया वसूला जा रहा है इसके लिए। युद्ध से पहले यह किराया एक व्यक्ति का था $3, यानी आप देखिए कई सौ गुना इसमें इजाफा हो गया। बिल्कुल, गाजा के लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, मजबूरी में लोग हमले में मारे जा रहे हैं। तो गाजा की जो स्थिति है वो बेहद खराब है, गाजा के अस्पतालों पर खतरा भी मंडरा रहा है। ये बड़ी खबर भी आपको बता दें, हमलों में तबाह हो सकते हैं गाजा के अस्पताल, गाजा के अस्पतालों का है बहुत बुरा हाल। तो गाजा के कई अस्पतालों पर हमले भी हो चुके हैं और इसीलिए लोग जो है वो डरे सहमे हैं, अस्पतालों में शरण तो ले रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि अचानक कब हमला हो जाए अस्पताल पर और फिर न जाने कितने लोगों की इस हमले में जान जाए।
तो गाजा में लगातार बारूद बरस रहा है, बम बरस रहा है, संकट में अस्पताल कैसे आ गए, बड़ी संख्या में अस्पताल तबाह भी हुए हैं। अब जो बचे उन पर कैसा बड़ा संकट आन खड़ा हुआ आप देखिए। भारी बमबारी के चलते खतरे में है गाजा के अस्पताल। गाजा में रात भर होती है इजरायली बमबारी। जी हाँ, बमबारी की वजह से कई अस्पताल तबाह हो सकते हैं। अल-अक्सा अस्पताल की बात आपको बताएं तो अल-अक्सा अस्पताल में शवों का अंबार लगा हुआ है। अल-कुद्स अस्पताल का भी यही हाल है, यहाँ पर बमबारी के खतरे की आशंका है। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने अस्पताल खाली करने का आदेश दिया है। और अस्पताल से अभी अगर बात की जाए तो यहाँ पर 400 से अधिक मरीज हैं जो कि इलाज इनका करवाया जा रहा है। 12,000 बेघर लोग हैं जो यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, उन पर हमले का खतरा है। अल शिफा अस्पताल की बात करते हैं, आग अगले 48 घंटे बात की जाए तो बिजली आगुल हो जाएगी। आप समझिए कितना बड़ा संकट हो जाएगा बिजली ना होना अस्पताल के अंदर, बहुत बड़ी क्राइसिस। इसराइल के बिजली काटने से जनरेटर का उपयोग हो रहा है और अभी अस्पताल तक नहीं पहुंची है यूएन की मदद। अल शिफा अस्पताल में सबसे ज्यादा घायल और मेडिकल स्टाफ हैं, तो इतने ज्यादा बुरे हालात अस्पतालों के हैं। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, अस्पतालों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि हाल के अगर हमलों को हम देखते हैं तो अस्पताल पर टारगेटेड अटैक किया गया था, कई बेकसूर लोगों की वहां जान गई थी और इसके पीछे कहा गया था आईडीएफ की ओर से कि दरअसल अस्पतालों को हथियारों का एक बड़ा ठिकाना बना रखा है हमास ने, इसलिए अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं। क्या कहती है वहां की ग्राउंड रिपोर्ट? देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट लगातार अगर आप मोटे तौर पर बात करें तो अभी जो मूलभूत चीज़ें हैं वो यही है, चाहे वो आईडीएफ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती हो, चाहे वो पेंटागन की रिपोर्ट कहती हो अमेरिका की, या फिर दूसरे इंटेलिजेंस इनपुट जो शेयर किए जा रहे हैं, वो ये बताया गया है स्पेसिफिकली कि अब हमास के लोगों ने, हमास के टेररिस्टों को, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास भागने या छुपने की ज़्यादा ज़रूरत जगह नहीं बची है, तो इसलिए ऐसे हॉस्पिटल्स को, ऐसे लोकेशंस को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ साथ एम्यूनेशन डिपो बना दिए गए, क्योंकि अगर आईडीएफ की फोर्सेज उनको अटैक करेंगी तो फिर निश्चित तौर पर इस त्रासदी को बड़े लेवल के ऊपर वो लेकर जाएंगे, चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हो, चाहे फिर यूएन के पास हो। और यही वजह है कि आईडीएफ को रह रहकर इन जगहों को आइडेंटिफाई करते हुए अपने ऑपरेशन को चलाने में दिक्कत। लेकिन सवाल भी यही आ गया आपके पास सुमित, एक बार फिर से कि क्या इजराइल, तो फिर भी बिल्कुल सुमित यह भी सवाल है कि क्या इजराइल ये नहीं देख पा रहा कि वहां पर किस तरह से हजारों की संख्या में बेकसूर भी है, उनके जान जाने का भी खतरा।